press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Morning, welcome to eHomeovision, India's first live patient consultation clinic. और अभी बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी क्योंकि लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, 21 दिन हो चुके हैं और लॉकडाउन 2.0 भी शुरू हो गया है और लोग घर में हैं और लोगों को एक प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, कॉन्स्टिपेशन। जैसे कि आपने देखा पिछले 2-3 वीडियो मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट पे बनाए थे और अभी इंडिया के बहुत सारे और इंडिया के बाहर भी जो मेरे पेशेंट्स हैं वो लोग रेगुलर रिक्वेस्ट कर रहे थे व्हाट्सएप पे कि सर कॉन्स्टिपेशन पे वीडियो बनाइए। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है, कब्ज बोलते हैं हिंदी में, और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि लोगों को दिक्कत आती है मोशन पास करने में और ये क्रॉनिक हो जाता है क्योंकि बहुत समय तक लोगों को मालूम ही नहीं चलता कि कॉन्स्टिपेशन है कि नहीं है। लोग एक दिनचर्या में इसको एक आदि बन जाते हैं, कुछ लोग चूर्ण खाने लगते हैं, कुछ लोग लैक्सेटिव लेने लगते हैं और टेंशन स्ट्रेस की वजह से भी होता है, अनिद्रा की वजह से भी होता है। देखिए कारण बहुत सारे हैं। सबसे पहले मैं अगर देखूं मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो है आज देख पा रहे हैं वीडियो, मैं आपको बताऊं पहले कॉन्स्टिपेशन को पहचाने और कॉन्स्टिपेशन के आगे की कॉम्प्लिकेशंस पहचाने, इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। इसको हल्के में ना लेइए, कोई बीमारी नहीं है, ये आपकी एक लाइफस्टाइल, आपकी डाइटरी हैबिट्स और बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से लोग सेडेटिव्स लेते हैं, उसकी वजह से भी होता है। कुछ लोग लंबे समय तक हाइपरटेंसिव मेडिसिंस लेते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिंस, उसकी वजह से भी होता है। तो आज का टॉपिक है कि मॉडर्न होम्योपैथिक से कैसे हम जड़ से कॉन्स्टिपेशन को ठीक करें। कॉन्स्टिपेशन अगर क्रॉनिक हो जाता है, जटिल हो जाता है, तो उसको कैसे बोलते हैं, इनफ्रीक्वेंट स्टूल बोवेल मूवमेंट, जो बोवेल हमारे जो आते होती हैं उसका मूवमेंट इनफ्रीक्वेंट हो जाता है। जब बोवेल मूवमेंट्स इनफ्रीक्वेंट हो जाएंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आएगी या डिफिकल्टी इन पासिंग स्टूल, बहुत ज्यादा ड्राइनेस होती है या बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी होता है स्टूल जो मोशन होता है मगर पास होने में बड़ी दिक्कत होती है, इनएफेक्चुअल डिजायर होती है, पेशेंट जाता है मगर कॉन्स्टिपेशन बोलता है मगर वो कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, उसके बोवेल मूवमेंट्स इतने फीबल हो जाते हैं, उसको ड्राइनेस या सॉफ्ट भी होगा मोशन मगर पास नहीं हो पाता, उसको कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। कॉन्स्टिपेशन जनरली डिस्क्राइब हम करते हैं कि फीवर यानी बॉवेल मूवमेंट्स के कम होने से हफ्ते में अगर एक दिन छोड़ के या हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 3 बार इंसान सिर्फ मोशन कर पा रहा है तो उसको कॉन्स्टिपेशन बोल सकते हैं। ओकेशनली बड़ा कॉमन है, बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आ चुके हैं जो बोलते हैं सर डेली मोशन नहीं होता, सर इसके बाद में कुछ मेडिसिंस बताई थी कि होम्योपैथिक में बहुत अच्छी मेडिसिंस है, पहले आपको लाइफस्टाइल अच्छी करनी पड़ेगी। सुबह एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए 8 घंटे की भरपूर नींद जरूरी है और 8 घंटे की नींद के बाद सुबह उठ के आप गर्म पानी पिए 2 ग्लास, जो मैं हमेशा अपने पेशेंट को बताता हूँ, उसके बाद योगा करें, एक्सरसाइज करें। बॉवेल मूवमेंट्स होने के लिए जब ऑर्गन हमारे हम चलते हैं तो हमारा ऑर्गन भी मूव करते हैं, तो आप एक नॉर्मल 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक का वॉक करें, सुबह उठें, एक मेडिटेशन करें, ये सभी चीजें जरूरी है लाइफस्टाइल के लिए। मेडिकेशंस बाद में जरूरी है, पहले आपकी लाइफस्टाइल जरूरी है। देखिए आप खाने में रफेज ले रहे हैं कि नहीं, खाने में सलाद ले रहे हैं कि नहीं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले रहे हैं कि नहीं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं बात करूं ओकेशनल कॉन्स्टिपेशन भी कारणवश होता है, कुछ लोग नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं, कुछ लोग डे शिफ्ट में करते हैं, कुछ लोग की शिफ्टिंग ड्यूटी होती है कभी डे में कभी नाइट में, तो आप पहले नोटिस करें कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। अगर मैं देख रहा हूं बहुत सारे केसेस आए हुए हैं, इसमें कॉन्स्टिपेशन में बहुत सारे लोग बोलते हैं दम लगाना पड़ता है, सर बहुत ज्यादा स्ट्रेन लगाना पड़ता है और बहुत समय तक हमें कॉन्स्टिपेशन था, उसकी वजह से हमें पाइल्स भी हो गया, फिशर हो गया, फिस्टुला हो गया। ये 90% केसेस में मैंने देखा है, फिशर, फिस्टुला, पाइल्स में कॉन्स्टिपेशन एक कारण पाया गया है। कॉज अगर मैं देखूं तो उसके क्या क्या कॉजेज होते हैं कि जब हम बोलते हैं ना हम मोशन करते हैं तो हमारे आंतों में ड्राइनेस ज्यादा हो जाती है, जो आंतों में ड्राइनेस होती है जिसकी वजह से मोशन बहुत स्लो निकलता है और डाइजेस्टिव ट्रैक बोलते हैं ना, आज सबसे मेन जो दिक्कत आ रही है हार्ड स्टूल क्यों हो रहा है, क्योंकि वाटर का आपका बॉडी में इवोपरेशन वाष्पीकरण भी होता है, आपकी बॉडी जितना पानी आप पी रहे हैं 4 लीटर नहीं पी रहे हैं, आप 1 से 1.5 लीटर पानी पी रहे हैं तो पानी तो वाष्पीकरण हो जा रहा है, शरीर में ड्राइनेस आ रही है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है, एनल फिशर हो सकता है, बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, कॉनल कैंसर हो सकता है, बहुत सारा रेक्टल कैंसर हो सकता है, बहुत सारी दिक्कतें हैं जो आज कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपको हो सकती हैं। मैं देख पा रहा हूं अभी बहुत सारे पेशेंट्स के मैसेजेस मेरे पास हैं और सभी पेशेंट्स परेशान हैं, तो आज आपको डरने की जरूरत नहीं है, पानी भरपूर पिए, 4 से 5 लीटर पानी पिए, और अगर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, या आपको कुछ लेडीज में प्रेगनेंसी के बाद कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, प्रेगनेंसी के समय कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, सबके लिए मैं मेडिसिन बताऊंगा। सिम्टम्स क्या क्या आते हैं कि लंपी स्टूल, हार्ड स्टूल, शिप जैसे बोलते हैं ना कि बकरी का जो मोशन होता है वैसा, और बहुत ज्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है, बहुत ज्यादा ब्लॉकेज लगता है और ड्राइनेस ज्यादा लगती है, तो इन सबके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है होम्योपैथिक में। सबसे पहले डाइट चार्ट को फॉलो करें, सुबह उठ के गर्म पानी पिए, दिन से दिन में 4 से 5 लीटर गर्म पानी पिए,
लास्ट में आती है मॉडर्न होम्योपैथिक मेडिसिन और लेक्सेटिव को बिल्कुल छोड़ दीजिए, डल्कोलैक, क्रेमेफिन और ये जितने भी डुफेलैक सिरप आते हैं इन सब की आदि ना बने। चूर्ण कुछ लोग खाते हैं, चूर्ण खाने की आदत पड़ जाती है, बोलते हैं चूर्ण लेंगे तब फायदा होगा, वेरी सॉरी, आज बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है, अगर आपका मोशन सॉफ्ट होने के बाद भी निकलने में दिक्कत हो रही है तो नोट करें होम्योपैथिक मेडिसिन एलुमिना, बहुत अच्छी मेडिसिन है एलुमिना, 30 पोटेंसी में भी ले सकते हैं, दो दो बूंद तीन बार आधा कप पानी में, ये वो मेडिसिन है जो आपके क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को ठीक करेगी, ओल्ड एज में हो चाहे बच्चों में हो, दोनों में बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन होती है नक्सोमिका, नक्सोमिका का एक कीनोट सिम्टम है इनएफेक्चुअल डिजायर टू पास स्टूल, ऐसा लगता है कि मोशन आने वाला है मगर जब पेशेंट जाता है डेफिकेशन के लिए मोशन नहीं हो पाता, मोशन इसके ऐसा पेशेंट कैसे होते हैं आपको आपने आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, आप किस कैटेगरी में आते हैं, आपकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, आपका मूवमेंट ज्यादा नहीं होता, आप सुबह 10 से 6 बजे तक जॉब में है बाकी घर में आके रेस्ट करें, अगर आपकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है तो नक्सोमिका इज द बेस्ट सिलेक्टेड मेडिसिन फॉर द पेशेंट हु हैव सेडेंटरी हैबिट्स एंड जो रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर पाते उन लोगों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन नक्सोमिका। तीसरी मेडिसिन है ब्रायोनिया एल्बा 30, ब्रायोनिया एल्बा एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें हार्ड स्टूल होता है, ड्राई स्टूल होता है और ड्राइनेस की वजह से बहुत ज्यादा पेशेंट को पेन भी होता है, कॉन्स्टिपेशन भी होता है और इतना ज्यादा प्यास लगती है, इंक्रीज थर्स्ट फॉर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, प्यास बहुत लग रही है, मुंह सूख रहा है और कॉन्स्टिपेशन भी है, इंडिकेशन समझ जाइए ब्रायोनिया मेडिसिन है। चौथी मेडिसिन है ओपीएम, ओपीएम के नाम से आप समझ गए, वो ऐसी मेडिसिन है जिसमें कॉन्स्टिपेशन है और राउंड हार्ड बॉल्स लाइक शिप डंग जैसा जो मोशन होता है उसमें ओपीएम मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है और हार्ड होता है, ब्लॉटिंग होती है, पेट फूलता है, पेशेंट के रेक्टम तक दर्द होने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ओपीएम मेडिसिन इज द बेस्ट। लास्ट बट नॉट लीस्ट साइलिशिया एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, साइलिशिया का पेशेंट बहुत पेक्यूलियर होता है, इसमें कॉन्स्टिपेशन भी होता है साथ में पेनफुल कॉन्स्ट्रिक्शन एनल स्फिंक्टर, ऐसा लगता है चुभन टाइप का जो एनस होता है जहां से मोशन पास होता है वहां पे चुभन टाइप का लगता है, पेशेंट को कमर तक दर्द जाता है और इतना भारी बन क्योंकि मोशन क्लियर नहीं हो पा रहा, पेशेंट रिमेन इन द रेक्टम फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक ऐसा लगता है कि कुछ फंसा हुआ है और अंदर मोशन जमा हुआ है, साइलिशिया पेशेंट बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं फीमेल पेशेंट्स में भी और मेल पेशेंट में भी, और ये मोशन जब निकल जाता है तो पेशेंट को बहुत रिलीफ मिलता है, साइलिशिया 200 पोटेंसी में रात में ले सकते हैं। और अगर मदर टिंचर की बात करें, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं डाइल्यूशन अच्छा है कि मदर टिंचर, तो डाइल्यूशन भी अच्छे हैं मगर मदर टिंचर फास्ट एक्शन के लिए कस्कारा सेग्रेडा, नाम नोट कर लीजिए कस्कारा सेग्रेडा मदर टिंचर, मैजिकल रामबाण दवाई है, 10 बूंद तीन बार आधा कप पानी में, साथ में कैरी का पपाया भी ले सकते हैं और साथ में आप हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर भी ले सकते हैं, ये तीनों मदर टिंचर का फॉर्मूला याद रखिए, कस्कारा सेग्रेडा मदर टिंचर, साथ में कैरी का पपाया मदर टिंचर और साथ में आप इसको ले सकते हैं हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और देखिए मेडिसिन तो बहुत सारी है, बच्चों में सेनिकुला भी देते हैं, कैमोमिला भी देते हैं और बच्चों में मैगम्यूर भी देते हैं, सीपीआर लेडीज में बहुत अच्छी मेडिसिन है प्रेगनेंसी के समय, कॉस्टिकम है, हाइड्रेस्टिस में ऑलरेडी बता चुका हूं मदर टिंचर, कोलनसोनिया जिसमें चुभन टाइप की दिक्कत आती है पेशेंट को, नाइट्रिक एसिड बहुत अच्छी मेडिसिन है, नेट्रोम्यूर बहुत अच्छी मेडिसिन है, पोडोफाइलम बहुत अच्छी मेडिसिन है। देखिए मेडिसिन आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, एस्कुलस हिप तक देते हैं लोग मगर डिपेंड करता है, प्लम्बर मेट बहुत अच्छी मेडिसिन है, सल्फर बहुत अच्छी मेडिसिन है, अगर क्रेविंग फॉर स्वीट्स होती है तो सल्फर। देखिए अब आपको डॉक्टर नहीं बनना है, आपको ये देखना है कि आपके अंदर क्या सिम्टम आ रहा है, क्योंकि होम्योपैथिक इज डिपेंड अपॉन द इंडिविजुअलाइजेशन, होम्योपैथिक इज बेस्ड ऑन टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, कोई पर्टिकुलर मेडिसिन नहीं है। अगर आप बोले सर मेरे को इतना दिमाग नहीं लगाना है मुझे आप एक मेडिसिन बता दीजिए, तो एक भारत होम्यो की येलो टैबलेट आती है जो डल्कोलेक्स का सब्स्टिट्यूट है, डल्कोलेक्स बंद कर दीजिए, क्रेमेफिन बंद कर दीजिए एलोपैथिक में, आप येलो टैबलेट लीजिए रात को सोते समय एक गोली, जरूरत अनुसार अगर ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो तो दो गोली, साथ में आप कस्कारा मदर टिंचर ले लीजिए, नक्सोमिका ले लीजिए, आपको कोई मेडिसिन सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बाकी आपको मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना हो, कोई क्वालिफाइड डॉक्टर से लेना हो तो उनसे लीजिए, मुझसे लेना हो तो +91 9893888001, मेरी वेबसाइट www.ehomeovision.com और मैं लाइव क्लिनिक में आता हूं दिन में 3 बजे और रात में 8 बजे, आप ही की हेल्प के लिए, आपके रिक्वेस्ट मैंने वीडियो बनाया था, क्वारंटाइन हो गए कुछ लोग जिनको कोरोना पॉजिटिव था और मैक्सिमम आबादी आज इंडिया के अंदर तो सभी लोग लॉकडाउन है रेड जोन में, तो आप अपने घर में हैं तो एक्सरसाइज करें, अपने घर में हैं स्वस्थ रहें, पॉजिटिव सोचें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, हेल्दी डाइट लें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर राजेश मंदानी साइनिंग आउट, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।